प्राचीन सिक्कों का इतिहास खास करके भारतीय सिक्के भारत के अंदर प्राचीन टाइम से कब से सिक्के चलने स्टार्ट हुए कब चांदी के सिक्के थे कब सोने के थे कब शीशे के थे और कौन कौन से सिक्के अलग अलग नामों से प्रचलित हुए इनके एग्जाम के अंदर आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं जितने चांस ये होता है कि आपके एग्जाम के अंदर इन्विजिलेटर आएगा उतना ही चांस होता है कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर इन इनविजिलेटर भी आना हंड्रेड परसेंट श्योर होता है वैसे ही ये सिक्कों के क्वेश्चन भी आना श्योर sure होता है चाहे सुपर टाइट हो चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टाइट हो आप लोगों को ये पूरी की पूरी जो है चैप्टर देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मजा आ जाएगा आपको पूरा चैप्टर देखने के बाद अभी तक हमारी इंस्टॉल नहीं की है बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो कर लीजिए दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट कर चुके हैं क्योंकि सीटेट के अंदर जो आपका एग्जाम आएगा उसके अंदर नाइनटी परसेंट से ज्यादा गौतम तो ने सब्सक्रिप्शन और कल लिया था महेश जी ने तो आप भी लीजिएगा तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट जो निकलकर आता है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सबसे पहले सिक्के प्रचलन में आए थे तो सबसे पहले सिक्के प्रचलन में कब आए सा, सातवीं शताब्दी पूर्व के लगभग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सबसे पहले सिक्के प्रचलन में आए और वैदिक ग्रंथों में सिक्कों को क्या कहा जाता था वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान का प्रयोग वैदिक काल के सिक्कों के रूप में भी होता था तो निष्क और शतमान वैदिक ग्रंथ में सिक्कों के नाम है और भारत में धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के समय प्रचलन में आए थे धातु का मतलब मेटल मेटल के बने सिक्के गौतम बुद्ध के समय प्रचलन में आए उसका समय कितना होगा पांच सौ ईस्वी पूर्व के लगभग और बुद्ध के समय जो ये सिक्के पाए गए थे पांचवों पांच सौ ईस्वी पूर्व उन्हें आहत सिक्के कहा गया था पंचमार्ग कॉइन्स कहलाए गए कहा गए थे ये तो ये आहत सिक्के पंच जो कॉइन्स होते हैं इनके ऊपर पेड़ मछली सांड हाथी अर्धचंद्र यानी कि आधा चांद आदि की आकृति बनी हुई थी और इनकी मेटल की अगर बात करें तो ये अधिकांश चांदी और कुछ तांबे के बने होते थे और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्के कहा गया तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां पर इन चार पॉइंट पॉइंट में सीख ली। पहला बताया कि सबसे पहले यूनान में सातवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैदिक ग्रंथों में निष्क और शतमान वैदिक काल के सिक्कों के नाम थे गौतम बुद्ध के टाइम से धातु के सिक्के मेटल के सिक्के भारत में यूज में आए 500 सौ ईस्वी पूर्व में और बुद्ध के टाइम के ये जो सबसे पहले सिक्के थे भारत के अंदर धातु के इन्हें आहत सिक्के कहा गया था पंचड मार्क्ड और इनके ऊपर पेड़ मछली सांड हाथी और आधे चंद्रमा की आकृति बनी हुई थी और ये चांदे और तांबे के थे और इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगले कितने इंपॉर्टेंट होंगे देखिए आहत सिक्कों का सबसे पुराना भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ है आज सिक्कों का और मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में निष्क और स्वर्ण का चांदी के सिक्के के रूप में काशापर्ण और धरण का और तांबे के सिक्के के रूप में मापक और काकण का प्रयोग होता था अब यहां पर सिक्कों के बारे में देखें कि मौर्य काल में तीन तरीके के सिक्के आ गए मौर्य काल में सबसे पहले तो सोने के सिक्के आए जिसे निष्क कहा गया फिर चांदी के सिक्के आए जिसे काशार्पण या फिर धरण कहा गया और तांबे के सिक्के के रूप में इन्हें मापक या काकण कहा गया तो मौर्य काल में तीन तरीके के सिक्के सोने चांदी और तांबे के जिनका नाम निष्क और मापक अलग अलग था भारत में सबसे पहले भारतीय यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे अगर पूछे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे तो भारत में सबसे पहले यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए सोने के सिक्के सबसे पहले बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कैडफिसिस द्वितीय द्वारा चलाए गए थे तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि किसने चलाए तो कुषाण शासक कैडफिसिस द्वितीय ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए और कनिष्क ने अपने जो है अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो आपके कैडफिशिस हैं यहां पर आपने देखा था कैडफिशिस सेकेंड ये कनिष्क के पापा थे तो कनिष्क के पापा ने बहुत बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे लेकिन कनिष्क ने बहुत बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए अब मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के स्वर्ण तथा तो पल चांदी का शतमान और तांबे का काकनी का सिक्का प्रचलन में था अब देखिए मौर्य काल में चांदी के सिक्के को शतमान भी कहा जाता था और उसे काशार्पण या धरण भी कहा जाता था अब आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में अलग अलग तरीके के सिक्के चले हुए थे बहुत ज्यादा तरीके के कोई सोने का कोई चांदी का कोई तांबे का और चार धातुओं सोना चांदी तांबा और शीशे के मिश्रण से बना हुआ काशार्पण कहलाता था अब देखिए चांदी देखिए काशारपण को वैसे इसके अंदर ज्यादातर तो क्या होती थी चांदी होती थी लेकिन काशारपण के अंदर आप चार मेटल को भी जोड़ देते थे चार मेटल को अगर पिंगलाकर बनाया गया हो तो वो काशारपण होगा सोना चांदी तांबा और शीशा अब गुप्त काल की बात करते हैं ये तो हुई मौर्य काल की जिसमें हर तरीके के सिक्के थे हर मेटल के आपने देख लिया तो ऐसे ही गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किए गए वो सोने के थे लेकिन इनकी शुद्धता कुषाणों के मुकाबले में कम थी यानी कुषाणों के कुषाणों ने यानी कि आपके यूनानियों ने तो शुरू कर दिए सोने के सिक्के और भारी मात्रा पर कैड सेकंड ने सोने के सिक्के चला दिए थे लेकिन जब गुप्त काल आया तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कुषाण जो थे ये आपके कैड सेकंड उससे भी ज़्यादा सिक्के चलाए लेकिन ये प्योर नहीं थे ये इनके सिक्के प्योर नहीं थे कुषाणों के प्योर गोल्ड के थे और इनके मिक्सिंग वाले थे देखिए गुप्त काल में अगर आप सिक्कों की बात करें सोने के तो उनको दिनार कहा गया गुप्त काल सोने के सिक्के दिनार थे और दैनिक लेन देन में कोड़ियों का प्रयोग होता था कहते ना कि कोड़ियों के भाव बिक गया तो ये जो कोड़ी है ना तो ये आपकी कोड़ी है गुप्त साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य से ही इन कोड़ियों का यूज हुआ है कालीन सोने के सिक्के 124 ग्रेन के तथा गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे सोने चांदी तांबा पोटिन तथा कांसा द्वारा बनाए गए सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में ही जारी किए गए आपने देखा कि जो मौर्य मौर्य के टाइम पीरियड था मौर्य टाइम पीरियड और थोड़ा सा उनके बाद का टाइम पीरियड उसमें बहुत ज्यादा सिक्के प्रचलन में आए साढ़े छह सौ से ग्यारह सौ ईस्वी के बीच सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए अब देखो सोने के सिक्के कब तक चलाओगे जब सिक्का चलना चलना शुरू हुआ तब तो शौक शौक में सोने के सिक्के चला दिए लेकिन बाद में औकात नहीं रही किसी की भी कि सोने के सिक्के इतने चला दे तो साढ़े छह सौ ईस्वी से ग्यारह सो ईस्वी के बीच में जो सोने के सिक्कों का जो प्रचलन था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आउट ऑफ ट्रेंड भी हो गया सत्रहवा पॉइंट जो सिक्कों के बारे में है वो ये है कि नौवीं शताब्दी में या नौवीं सती में प्रतिहार शासकों के कुछ सिक्के मिलते हैं सातवीं सदी से ग्यारहवीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान और गुजरात में गंधे या सिक्के पाए गए इन सिक्कों पर अग्रि वेदिका का चित्रण है अब देखिए पहले कहाँ मौर्य और गुप्त काल में सोने के सिक्के यूज हो रहे थे कभी चांदी के कभी तांबे के कभी कांसे के कभी पोटीन के लेकिन यहाँ पर जब नौवीं शताब्दी में अब आप आ पहुंचे तो प्रतिहारों के आपको फिर सिक्के मिलते हैं इतने टाइम पीरियड के बाद और सातवीं सदी से ग्यारहवीं सदी के बीच में आते आते बहुत कुछ चेंज हो चुका था और इन पर जो सिक्के पाए गए ग्यारहवीं शताब्दी में और सातवीं शताब्दी में उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और नौवीं शताब्दी में जो सिक्के थे इनको गंधेया सिक्के कहा गया और ग्रीक शासकों ने ड्रामा तांबे के सिक्कों के तर्ज पर प्रतिहार एवं पाल शासकों ने चांदी द्रम सिक्के भी जारी किए तो यहाँ पर अब जो सत्रहवा और अठारवा पॉइंट है यहां पर वो प्रतिहारों का है तो प्रतिहार ने नौवीं शताब्दी में गंधेया सिक्के चलाए गए और ग्रीक शासकों की तरह ग्रीक शासकों की तरह प्रतिहार और पाल शासकों ने चांदी के सिक्के भी चलाए जिन्हें द्रम कहा गया जिन्हें क्या कहा गया द्रम कहा गया तो आज की इस वीडियो में मैंने कम टाइम लेते हुए कोशिश की है कि आप लोगों को सिक्कों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो करवा दिए जाएं और एस की टॉप टेन की वीडियोस तो आपको हो ही रही है लेकिन मुझे दर्द होता है यार ये देख के कि पूरे यूट्यूब पर मैं सबसे ज्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ देखिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सी हो मैथ हो ई हो चाहे सोशल स्टडीज हो और फिर दो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश हो अब सी के अंदर मैंने तीन सीरीज शुरू कर रखी हैं मैथ के अंदर मैंने एक सीरीज मैथ पैडागोजी की ईवीएस के अंदर तीन सीरीज टॉप टेन के क्वेश्चन की पैडागोजी की और चैप्टर की ये तीन सीरीज शुरू कर रखी है मैंने और एस एस टी में भी मैंने तीन सीरीज शुरू कर रखी है दो सीरीज सॉरी एक चैप्टर की एक टॉप टेन की और इंग्लिश में मैंने कितनी कर रखी है इंग्लिश पैडागोजी और इंग्लिश ग्रामर इसकी भी दो सीरीज और हिंदी की कितनी कर रखी है हिंदी की भी मैंने दो सीरीज शुरू कर रखी है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा जो मैं कराता नहीं साइंस को छोड़ के वो भी साइंस में जल्दी इंट्रोड्यूस कर दूंगा लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो बुरा लगता है मुझे खैर कोई बात नहीं है वो अपनी पसंद की बात है अब एक चीज मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ दोस्त कि मैं अपनी तैयारी आप लोगों की आप लोग तो सी टेट वाले हैं तो आपको तो कोई लेना देना नहीं होगा सुपर टेट से तो मैं सुपर टेट की तैयारी शुरू करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो सी टेट वाली जो जनता है दोस्तों उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है वो घटिया लोगों से वो छोटे छोटे बच्चों से ही पढ़ना पसंद करते हैं ना तो सी टेट की जनता मैच्योर है और ना ही उन्हें अच्छी चीज़ों की पहचान है तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सी टेट वालों से मेरा पीछा छूटे और मैं मैच्योर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई शुरू करूँ तो चलिए दोस्त बाकी आपको अगर पसंद आए तो जनवरी तक तो मैं आपके साथ हुई सी टेट के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सी तक हमारे साथ रहिएगा बाकी आपकी मर्जी है आप बच्चों से भी पढ़ सकते हैं मुझे फिर आपसे कोई लेना देना है नहीं भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त अति, इतिहास ये हमारे इस चैप्टर का नाम था अगला चैप्टर काफी जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा